दोनों हाथों को लहरा दे और सारा जलाल सारी इज्जत पाकिस्तान को कुरम बरकत दे, उम्र की दराजी दे, आमीन। इससे पहले हम कड़े कड़े केक काटेंगे और फिर दुआ करेंगे मुल्क सलामती हो। और आज शेष आजादी का दिन है, पूरी कौम आजादी मिलकर सेलिब्रेट कर रही है और मैं आप सबको भी जश्न आजादी मुबारक कहता हूँ, क्योंकि आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन है जिसकी बुनियाद मट्टी या रेत पर नहीं बल्कि शहीदों के रूहों पर तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो के आज के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मुस्बत सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये मसाइल मसाइल नहीं रहेंगे। हम आपके लिए जो है ऐसी राहें हमवार करेंगे ताकि हम आगे मिलकर चल सके। ये सब चीज़ें आसान नहीं है, इन पर टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा से कमिटमेंट इंसान को सही राह पर लेकर चलती है। तो हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाले लोग अपनी कौन से कमिटमेंट करते हैं खुदा के सॉल्टर पे, ये आज अहद पमा बांधते हैं, आज अहद तजदीद बांधते हैं अपने शोधा के साथ कि हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, उनके खून की लाश को रखेंगे और उस समत की तरफ अपने मुल्क को लेके जाएंगे जो कामरानी और कामयाबी के साथ हमारे मंजिल मुकसद तक पहुंचाती है।